नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। छठ पूजा की सभी देशवासियों को जी न्यूज इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। छठ पूजा में महिलाएं क्यों लगाती हैं नाक से मांग तक का सिंदूर, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर माना गया। सुहाग के प्रतीक सिंदूर की छठ पर्व में महत्वता बहुत खास होती है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ ही नाक से मांग तक का सिंदूर लगाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर छठ पूजा में महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर क्यों लगाती हैं? आइए जानते हैं कि छठ पूजा में नाक तक सिंदूर लगाने का महत्व क्या है। नाक से मांग तक सिंदूर लगाने के पीछे एक मान्यता है। सबसे पहली बात बता दें कि पूजा केवल विवाहित महिलाएं ही करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाक पर से सिंदूर लगवाने के पीछे की वजह है पति की लंबी उम्र कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी महिलाएं ऐसा करती हैं उनकी पति की आयु और भी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही उनके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि सिंदूर लगाने से पति की लंबी आयु के साथ साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि महिलाएं सिंदूर छिपाकर लगाती हैं, उनके पति समाज में कहीं छिपकर रह जाते हैं, इसके साथ उनकी तरक्की भी रुक जाती है और आयु भी कम हो जाती है। साथ ही नाक तक सिंदूर कर महिलाएं समाज को भी यह बताती हैं कि वे शादीशुदा हैं और अपने पति से बेहद प्रेम करती हैं। एक किस्सा है दुशासन और द्रौपदी से जुड़ा हुआ। इसके पीछे एक कहानी भी कहा जाता है कि एक बार दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। उस समय द्रौपदी ने सिंदूर नहीं लगाया था, जिस पर दुशासन ने तंज कसते हुए कहा कि तूने अभी तक यह भी तय नहीं किया कि किसके नाम का सिंदूर लगाना है। इसके बाद दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर खींचने लगा कि तभी द्रौपदी ने जल्दी से सिंदूरदानी को ही अपने सिर पर पलट दिया। बता दें कि सिंदूर भी कई तरह के होते हैं। पहला सुर्ख लाल, दूसरा सिंदूर पीला या नारंगी, तीसरा सिंदूर मटिया सिंदूर होता है। छठ पूजा के दौरान ये तीनों तरह के सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में मिटिया सिंदूर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस सिंदूर को सबसे शुद्ध माना जाता है।